दोस्तों, स्टडी का रेनबे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मजदूरी का हिसाब करना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे मजदूर भाई तो ऐसे होते हैं जो पैसे तो कमाते हैं लेकिन अपनी मजदूरी का सही तरीके से हिसाब नहीं कर पाते हैं। यदि एक महीने का हिसाब करना हो तो डायरेक्ट रहता है, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप बीमार पड़ गए या फिर किसी भी कारण से काम करने नहीं जा पाए और आपको 10 दिन, 15 दिन या फिर 7 दिन का हिसाब निकालना हो तो आप हिसाब को नहीं निकाल पाते हैं। यदि आप ऐसे हिसाब को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति हर महीने 26,000 रुपए कमाता है तो 7 दिन में कितना कमाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो व्यक्ति है वह हर महीने कितना रुपया कमा रहा है तो 26,000 रुपया कमा रहा है। हर महीने कहने का मतलब है कि एक महीना में वह व्यक्ति कितना रुपया कमा रहा है, इसको सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो वह व्यक्ति जो है एक महीने में कितना रुपया कमा रहा है तो 26,000 रुपया कमा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 7 दिन में कितना कमाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक महीना को दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक महीना बराबर होता है 30 दिन। तो एक महीने बराबर होता है 30 दिन, यानी कि वह व्यक्ति 30 दिन में कितना रुपया कमाएगा तो 26,000 रुपया ही कमाएगा। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, एक महीना और 30 दिन जो है आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों, इस महीने को हमने दिन में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि यहाँ पर हमसे जो है 7 दिन का हिसाब पूछा गया है। तो वह व्यक्ति जो है 30 दिन में कितना रुपया कमाएगा तो 26,000 रुपया कमाएगा। अब हम सबसे पहले करेंगे क्या कि एक दिन में वह व्यक्ति कितना रुपया कमाएगा इसे पता कर लेंगे। तो इसे पता करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो 26,000 बटा में 30 कर देना होगा, यानी कि 26,000 में 30 से भाग कर देना होगा। तो आइए भाग कर लेते हैं। 1 0 1 0 से कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, 2600 बटा में 3 बचा है। तो आइए बगल साइड में हम लोग जो है भाग भी कर लेते हैं, 2600 में 3 से भाग करते हैं। तो 3 8 में होता है 24, इसके बाद 6 में से 4 को घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ पर आप 0 उतार लीजिए, फिर से भाग ले जाइए। तो 3 6 में होता है 18, 10 में से 8 को घटाएंगे 2 आएगा, फिर से यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर उतार लीजिए। तो 3 6 में 18, इसके बाद 10 में से 8 को घटाएंगे 2 आएगा, भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर हम दशमलव को बढ़ा लेंगे, फिर से यहाँ 0 उतार लेंगे, फिर से भाग ले जाएंगे। तो 3 6 में 18, इसके बाद फिर से इसको घटाएंगे, 10 में से 8 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऑलरेडी हमने दशमलव बढ़ाया है तो 1 0 उतार सकते हैं। तो फिर से 3 6 में 18, 10 में से 8 को घटाएंगे 2 आ जाएगा। दोस्तों, ऐसे आता रहेगा तो आपको यहाँ पर 7 मान लेना है। तो यहाँ पर हमें जो है एक दिन का हिसाब कितना पता चल गया, तो 866.667 पता चल गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमसे 7 दिन में वह व्यक्ति कितना कमाएगा ये पूछा गया है। तो इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। यदि वह व्यक्ति एक दिन में जो है इतना रुपया कमा रहा है तो हमें जो है 7 दिन का पता करने के लिए क्या करना होगा, तो 866.667 में 7 से गुणा कर लेना होगा तो हमें जो है 7 दिन का हिसाब पता चल जाएगा। तो आइए गुणा करते हैं। तो 7 में होता है 49, 7 6 42, 42 4 हो जाएगा 46, 46 का 6 हासिल में आ गया 4, 7 6 42, 42 4 46 हो जाएगा, और 7 6 42, 42 4 46, फिर से 7 6 42, 4 46, इसके बाद 7 8 का 56
और हासिल वाला 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप 60 लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से राइट हैंड साइड से 3 अंक के बाद दशमलव है, तो आपको जो है राइट हैंड साइड से 3 अंक के बाद दशमलव को लगा लेना है। तो कितना आ गया, 6,066.669 रुपये आ गया, यानी कि वह व्यक्ति 6,066.669 रुपया 7 दिन में कमाएगा। आशा करते हैं कि आपने ऐसे हिसाब को करना बहुत ही आसानी से सीख लिया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।